और कृति बैग रख के भूली गई थी कि आज मुझे गिफ्ट भी लेना है। सो जब वो लास्ट में नहाने के बाद वो बालकनी में गई पूजा करने के लिए, उस टाइम उसको गिफ्ट मिला। सडनली देख के वो बहुत खुश हो गई थी। प्रीति ने सुबह से डोर खोला ही नहीं। ঠিক আছে এটা নিয়ে স্কুল যাবে তো? হ্যাঁ। নাইস লাইক দ্যাট? ইয়েস। চলো সান্তা কো হাগ কর দো। ও সান্তা। উসকো কনফিউজ মত করো আর কনফিউজ মত করো। মেরি ক্রিসমাস। মেরি ক্রিসমাস। মুচো বাবা নিয়ে ছিল আগে দিনে ওইটা যেটা সেই ডলটা দিয়েছিল ওটা এখন ওই বক্সে আছে, ওইটা মনে হচ্ছে বাবাই দিয়েছিল। ওটা মনে হচ্ছে বাবাই দিয়েছিল না? কোন বক্সটা? আরে সেই লাস্ট মানে এর আগের বছর, তার আগের বছর যে গিফটটা দিয়েছিল। কি আমরা কোনে অনলাইন পারচেজ কিয়া থা? আর কোয়ালিটি ভি বহুত আচ্ছি হ্যায়। স্টার্টস থার্ড স্ট্যান্ডার্ড কে লিয়ে ঠিক হি হ্যায়। হ্যাঁ থার্ড স্ট্যান্ডার্ড বড় লোক বহুত হেভি হোতা হ্যায়। हाँ बहुत हेवी बुक्स होते हैं। वर्कशीट भी रहता है। हाँ दो रैक है। एक तीन है, एक छोटा वाला। हाँ एक और ये है ना। हाँ माँ जब बृष्टि पड़ता तो तखन अम्मा के बैग तो इन्हें कोड़े ऐते होते बस है। ये बैग तो अनेक बड़ो तो छाता हुए जब। तीन के ढूँगे जब। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। अभी कृति अपनी जो क्रिसमस ट्री है उसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही है, लाइट उसने लगाया है और वो रेडी कर रही है क्रिसमस पार्टी के लिए। हम लोग छोटा सा पार्टी करेंगे। कृति अभी अपनी ट्री को लेके रेडी है ना? हाँ। अच्छा तो आज इवनिंग को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, अब जंक फूड, नो हेल्दी, नो हेल्दी फूड, ओनली जंक फूड। ओनली जंक फूड खाएंगे हम लोग, है ना? मेरी क्रिसमस आप सबको, आप सबका क्रिसमस बहुत 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 अच्छा कटे। सब बच्चे बहुत एंजॉय करे, बहुत सारे केक मिले और सांता आप लोगों को बहुत सारा गिफ्ट दे, बहुत सारा गिफ्ट दे, बहुत सारी चॉकलेट दे, है ना? हाँ तो कृति के लिए क्रिसमस क्या है बोलो? क्रिसमस है कि मैं मुझे दो गिफ्ट मिले। हाँ उसके लिए तो गिफ्ट ही है। उसके लिए गिफ्ट है जो और, काम के लिए और हाँ, काम के लिए। और क्रिसमस में क्या करते हो? व्हाट डू यू मेक? व्हाट इज क्रिसमस फॉर यू? क्रिसमस में मैं क्रिसमस ट्री डेकोरेट करती हूं। अच्छा ओके, ये रहा क्रिसमस ट्री। हाँ और प्रीति ने एक स्टोरी भी सीखी है ना? हाँ सो वो लास्ट में आपको स्टोरी सुनाएगी। यस ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग क्या करेंगे? केक कट करेंगे। चलिए और यहाँ पे हमने सारा इंतजाम किया है। ये देखिए ये एक्चुअली yes. ना चलिए मैं दिखाती हूँ। ये कर्टन है, ये मेरा ना एक डीआईवाई टेबल है जो मैं डीआईवाई करने के लिए यूज करती हूँ। नीचे वो स्टोरेज बॉक्स है जो कृति की टॉय रखने के लिए है। सो इसके ऊपर मैंने ये डीआईवाई जो मेरा टेबल है उसको रख दिया है। सो ये अच्छा खासा एक टेबल हो गया है। सो यहाँ पे हम लोग अपनी पार्टी को अरेंज करेंगे। हाँ है ना? चलो The halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. ये है हमारा आज का स्नैक्स। ये है पिज़्ज़ा, इंडियन तंदूरी पिज़्ज़ा। ये बहुत ही टेस्टी होती है, अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है ना ज़रूर करना। और ये है जिंजी चिकन बर्गर, मतलब पैटिस टाइप का है। ये भी बहुत टेस्टी है, ये भी बहुत अच्छा है, जो ये भी बहुत पसंद है। सो ये दो है आज का हमारा स्नैक्स आइटम और साथ yes. में है केक। रीति का देखो फोटो सेशन देखो। Fast away the old year.
is fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous song together, fa la 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 la. Merry Christmas. सैंटा बना दिया क्रीपी को. ये वाला केक फेवरेट है उसका. क्रीम उसको चाहिए केक में. ज्यादा नहीं खाती है, थोड़ा सा ही खाती है, बट चाहिए. हम लोग एक्चुअली ज्यादा देते नहीं है उसको, लेकिन ये चाहिए. हॉल पे बैठ के खाते हैं ना. यहाँ पे हम लोगों ने केक वेक कट कर लिया है अभी हॉल पे. चलो चलो इतने रेडी हो गए हैं. हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर दर्शन के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए. यस, चलिए. लॉन्ग ड्राइव नहीं, फिर भी सिर्फ एक घंटा का. हाँ, एक घंटा का टाइम. एक चक्कर मार के चक्कर मार के आते हैं. चलिए चलो. रेडी हाँ. लेट्स गो. लेट्स गो. ठंड लग रही है, मैंने पूरा हुडी मुडी डाल दिया है, बहुत ठंड है. चलो लेट्स गो. चलो. वी बीन ड्राइविंग अराउंड सिंगिंग सॉन्ग्स वे टू लव बिकॉज़ वी वांटा पिकिंग अप अ लव फ्रेंड्स फिल अप द कार टिल इट बर्न्स बिकॉज़ वी वांटा. Trunks full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own. और यहाँ पे भीड़, मतलब नॉर्मल जैसे भीड़ रहता है ना, उस टाइप का भीड़ है. आप पीछे से देख सकते हो, मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोविड का सिचुएशन है. जैसे गाड़ी की भीड़ वैसे ही सामने मॉल के सामने भीड़. हम लोग देखने आए थे कि क्या सिचुएशन चल रहा है. और कृति ने क्रिसमस ट्री देखा, बड़ा वाला. अच्छा लगा ना, एकदम से नॉर्मल लग रहा है सब कुछ. और ट्रैफिक, बाप रे बाप. गाड़ी ना ऐसे 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 जा रहा है. We came to party all night long and sing along to every song. We don't need nobody's attention, don't need nobody. अभी हम लोग फिनिक्स मॉल से आ चुके हैं, और आपने देखा कि उसके बाद जो बाकी दो मॉल था, शांतिनिकेतन फोरम, शांतिनिकेतन में थोड़ा बहुत क्लाउड भी था और डेकोरेशन भी था. पार्क स्क्वायर जो मॉल है ना, उसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं था, बिल्कुल खाली भी था वो मॉल, है ना. एकदम मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे मॉल है ऐसा. जो लास्ट ईयर व पहले वो जो रौनक रहता था वहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं है इस साल. तो अभी हम लोग ITPL रोड होके घर जा रहे हैं. काठगुड़ी होके हम लोग घर जा रहे हैं. और कृति अभी जीसस की बर्थडे वाली स्टोरी देख रही है, उसको बहुत अच्छा लगा. स्कूल में दिखाया गया था, तब से वो स्टोरी सुना भी रही है और देख भी रही है बार बार. और अभी हम लोग आए थे शंकर नेत्रालय में आई चेकअप के लिए, और हम लोग आए थे सुबह 8:30 को, और अभी टाइम हुआ है 4:30 ना. 4:30 टाइम हुआ है. अभी हम लोग घर जा रहे हैं. सुबह से कुछ नहीं खाया, पूरा दिन निकल गया. इरा, धनु, कृति सब आए थे साथ में. सब एक साथ चेकअप करवाया. हाँ, सबका, क्योंकि कृति भी कंटिन्यूसली, मतलब 7-8 महीने से लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लंबा टाइम के लिए. सो एक रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी था, बट डॉक्टर ने बोला कि उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं है. यहाँ के डॉक्टर एक्चुअली, ये जो शंकर नेत्रालय है ना, हम लोग यहाँ पर ही आते हैं. मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का आँखों का ऑपरेशन इधर ही हुआ है. हम लोग भी जब भी आते हैं यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जेन्युइनली चेकअप होता है. जैसे कृति को बोला कि डॉक्टर ने कि उसको आँखों की, मतलब अभी चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है, जब होगा
तो देंगे। अभी बोला है कि मोबाइल वगैरह ना देखे, अगर क्लासेस भी कर रहे हैं तो बीच में जो गैप रहता है ना उसमें थोड़ा बाहर जाके खेले। सो ये सब बोला है डॉक्टर ने। सो इस तरह से बोला कि बच्चों को रखने के लिए तो जितना हो सके। और सुबह से हम लोग आए हैं अभी, मतलब कृति ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, जो बिस्किट वगैरह लेके आए थे वही सब खाए कृति ने भी। तो चलिए अभी घर पहुंच के आप लोगों से बात करती हूँ। और कल से मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा इतना हेडेक था कल को, तो कल मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई। जहाँ पे बैठ के वो देखती है, कभी कभी अगर देखती भी है
तो वो डिस्टेंस ठीक ठाक है लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत ही कम टाइम के लिए। और मोबाइल तो बिल्कुल नहीं, मोबाइल तो टोटली बंद। और लैपटॉप पे भी जब ऑनलाइन क्लासेस वो करेगी तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते अभी, ये तो हम लोगों को भी करना ही है। इवन होमवर्क का भी उसका है कि कभी कभी होमवर्क करने के टाइम भी उसको लैपटॉप की जरूरत होती है। सो आधे घंटे से ज्यादा वो लैपटॉप के सामने नहीं रहेगी, आधे घंटे के बाद वो ब्रेक लेगी, उसके बाद फिर से अपना होमवर्क या कुछ भी स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से बोला गया है और बोला है कि ऐसे नॉर्मली जो 6 मंथ के बाद रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए आने के लिए बोला गया है, बट एक्सपेक्ट नहीं दिया है। हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपेक्ट तो डाल ही देगा है ना, लेकिन ये एक्चुअली मेरा क्या होता है ना, नॉर्मली हेडेक रहता है, हेडेक के साथ थोड़ा सा वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहती है। सो कल तो एक्सट्रीम हो गया था, तो अदनो बोला कि चलो जाके थोड़ा सा चेकअप करके आते हैं। मेरा ना पावर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने 3 टाइम, ये 3rd टाइम है मेरा आई चेकअप का। सो जब भी मैं पावर चेकअप करने के लिए जाती हूँ तो मेरा थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। तो वही डॉक्टर डिस्कस कर रहे थे कि इंक्रीज क्यों हो रहा है, वो जानने के लिए मुझे फिर से दोबारा चेकअप मतलब करवाया गया, टेस्ट मतलब टेस्ट वगैरह करवाया, स्कैन भी किया गया। तो ये सारी चीज करने में थोड़ा टाइम लगा, बट बोला है आज मेरा कोई भी मतलब पावर मुझे नहीं दिया है, वो देने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो ड्रॉप वगैरह डालते हैं ना उसमें ना थोड़ा सा धुंधला दिखता है, मतलब क्लियर नहीं दिखता है। सो जब आंखों का टेस्ट पावर चेकअप करने के लिए मुझे लेके गया ना, सो और ज्यादा बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी तो कोई भी मतलब मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो आप एक काम करो 2-3 दिन बाद आओ, उसके बाद हम लोग आपका पावर देते हैं। सो बस काम तो मेरा हुआ नहीं, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा, बट पूरा पर वो ज्यादा देर के लिए नहीं। हाँ वो ज्यादा देर के नहीं ली, एक टोकन भी दे दिया मुझे, वो दिखाने में ही जल्दी से मेरा हो जाएगा। के चक्कर में ना कल मैंने क्रिसमस स्पेशल कोई भी ब्लॉग शेयर अच्छे से नहीं कर पाई, और इवन ब्लॉग ही शेयर नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत जो शूट किया है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 दिनों से कोई भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो बस आई होप कि अभी रेगुलर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊ, ऐसे ही आशा रखते हुए मैं आज का वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैं देखो मैं 10 मिनट या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, बहुत ज्यादा हो तो 20 मिनट्स के लिए आप लोगों के पास आती हूँ, मेरी लाइफ की 20 मिनट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीजें मैं शेयर करूँ, बट काफी दिनों से मैं इन रेगुलर हूँ बहुत ज्यादा। सो आप में से बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि लक्ष्मी इतना इन रेगुलर क्यों है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग मुझे मिस करते हो, मेरे फैमिली को मिस करते हो। सो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोग को मतलब अभी पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम क्या था। सबके लाइफ में ऐसा होता है, हाँ सबके लाइफ में इरेगुलरिटी हो ही जाता है, अब चाहो या ना चाहो। हाँ मतलब ये सब तो है ही, ये सब के बिना तो लाइफ नहीं है, लाइफ में सब कुछ मिक्स रहता है, अगर मिक्स नहीं रहेगा तो लाइफ क्या बोलूं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके तो चलिए, कृति ने बोल दिया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना, और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, और हाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को अभी इस मतलब पैंडेमिक में क्या करना चाहिए, ये चीज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कोई भी रूटीन चेकअप के लिए जाओगे तो डॉक्टर तो बोलेगा ही, लेकिन ये चीज को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आपके बच्चे ऑनलाइन पे क्लासेस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आप जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड बी सेफ।